हेलो दोस्तों, देखिए आज हम ये वॉल हैंगिंग का डिज़ाइन लेके आए हैं आप लोगों के लिए। डिज़ाइन कैसा लग रहा कमेंट करके बताइएगा, पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा। देखिए हमने ये वाइट ग्रीन और लाइट पिंक में बनाया हुआ है, तो डिज़ाइन कैसा है ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो बनाने के लिए हम पहले ऐसे नॉट लगाएंगे। नॉट लगा के 1 2 3 4 5 6 सिक्स चेन करेंगे। फर्स्ट वन में लेके हम ऐसे ज्वाइंट करेंगे, देखिए ऐसे। उसके बाद से फिर हम इसमें 1 2 3 थ्री चेन डबल फंदे लेंगे, ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे ऐसे। एक दो, टू टाइम क्रोशे चलाएंगे, ये ऊपर ही रखेंगे। डबल फंदे, फिर से सेम चीज़ें, एक दो, टू टाइम क्रोशे चलाएंगे, ये ऊपर रखेंगे। उसके बाद इसमें से निकाल लेंगे, ये बांध देंगे। बांधने के बाद से 1 2 3 थ्री चेन डबल फंदे लेंगे, फिर से सेम चीज़ बनाना है हमें। एक दो, और ये ऊपर ही रखेंगे। डबल फंदे, फिर से एक दो, डबल फंदे, फिर से एक दो, टू टाइम क्रोशे चलाएंगे और इसे ऊपर ही रखेंगे पूरे को। अब पूरा एक, ये तीन हो गया, तो इसके बाद इसके नीचे से ऐसे निकाल लेंगे और बांध देंगे, देखिए। उसके बाद फिर 1 2 3 थ्री चेन डबल फंदे फिर लेंगे, फिर तीन ट्रिबल क्रोशे बनाएंगे और उसके बाद से पूरा एक में से निकालेंगे, फिर थ्री चेन करेंगे। तो ऐसे राउंड में कंप्लीट करते हैं। तो देखिए हमने राउंड में ऐसे 7 जगह ये बना लिया, 1 2 3 4 5 6 7 7 जगह ऐसे बना लिया। फिर पहले वाले में ले के हम ऐसे ज्वाइंट करेंगे और ये बांध के कट करके निकाल लेंगे। अब इसे यहाँ से ऐसे निकाल लेंगे, आधा एक खींच के बैक साइड हम लगा देते हैं ऐसे, देखिए। इसके बाद से फिर हम दूसरा कलर लेंगे नॉट लगा के, और जो ये थ्री थ्री चेन किए हैं इसमें बनाना है ऐसे बांध के। 1 2 3 थ्री चेन डबल फंदे लेंगे, ट्रिपल क्रोशिया यहाँ भी बनाएंगे। 1 2 3 देखिए, तो ऐसे दो हुआ, तीन, और एक बनाएंगे यहाँ पर, चार, फोर ट्रिपल क्रोशे बना लेंगे। उसके बाद से 1 2 3 4 फोर चेन करेंगे, डबल फंदे लेंगे, फिर दूसरे वाले में भी फोर ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे ऐसे। 1 2 3 4 ऐसे, फिर 1 2 3 4 फोर चेन डबल फंदे, फिर से सेम चीज़ें। फिर इसमें भी हम फोर ट्रिपल क्रोशिया फोर चेन बनाएंगे, 2 3 4 उसके बाद फिर 1 2 3 4 फोर चेन डबल फंदे, फिर सेम चीज़ें। तो ऐसे पूरे राउंड में बना कंप्लीट करेंगे। तो हमने चारों तरफ से ऐसे बनाया, फिर पहले वाले में ले के हम ऐसे ज्वाइंट करेंगे और इसे भी हम यहाँ पर बांध करके कट कर लेंगे ऐसे, देखिए। इसे भी बैक साइड अप लगा देंगे। इसके बाद से फिर हम दूसरा कलर लेंगे और लेके जो हम ये फोर फोर चेन का बनाए हैं इसमें बनाएंगे ऐसे बांध के। 1 2 3 थ्री चेन करेंगे, डबल फंदे लेंगे, ट्रिबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर भी। तो एक एक दो हुआ, दो एक तीन, फिर पूरा एक में से ऐसे निकाल लेंगे, बांधेंगे। उसके बाद 1 2 3 थ्री चेन करेंगे, डबल फंदे लेंगे, सेम जगह पर फिर से बनाएंगे हम। एक दो, तीन, फिर इसमें से निकाल लेंगे, बांध देंगे, फिर
फिर एक दो तीन, थ्री चेन, डबल फंदी लेंगे, फिर सेम जगह पे फिर से बनाएंगे ऐसे, एक दो तीन, देखिए फिर इसमें से ऐसे निकाल लेंगे, बांध देंगे, देखिए उसके बाद फिर से एक दो तीन, थ्री चेन करेंगे, डबल फंदी लेंगे, ये दूसरा वाला चेन है, इसमें भी सेम चीज़ें बनाना है हमें, एक दो तीन, देखिए पूरा एक ऐसे है, और पूरे एक में से निकालेंगे, बांधेंगे, बांधने के बाद से हम यहाँ पर एक दो तीन, थ्री चेन करेंगे, डबल फंदे लेंगे, सेम जगह पे फिर से बनाएंगे, एक दो, फिर एक दो, टू टाइम क्रोशे चलाना है, ये ऊपर रखना है, फिर एक दो, अब इसमें से पूरा हम एक में से फिर निकालेंगे, बांधेंगे, फिर एक दो तीन, डबल फंदे, फिर ऐसे एक एक दो, और एक बना लेंगे यहाँ पर तीन, अब पूरा एक में से ऐसे निकालेंगे, बांधेंगे, फिर एक दो तीन, डबल फंदे, फिर ऐसे, फिर इसमें तीन ऐसे ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, और उसके बाद फिर तीन चेन करेंगे, एक पास तीन ट्रिपल क्रोशिया ऐसे, फिर पूरा एक में से निकाल लेंगे, बांधेंगे, फिर एक दो तीन चेन, फिर ऐसा बनाएंगे, तो ऐसे देखिए ये तीन तीन बन रहा है, एक से दूसरे जाने में भी तीन चेन, और एक से यहाँ दूसरे फ्लावर पर बनाने में भी तीन तीन चेन कर रहे हैं, पूरे पर हम तीन तीन चेन ही कर रहे हैं, और एक ये चेन के अंदर तीन हम जगह फ्लावर ऐसे बना रहे हैं, तो पूरे राउंड में बना कम्प्लीट करेंगे। तो हमने राउंड में ऐसे कम्प्लीट किया, फिर फर्स्ट वन में ले के इसे ज्वाइंट कर लेंगे, और फिर कट करके निकाल लेंगे हम। अब इसके बाद से हम बनाएंगे, इसमें ज्वाइंट करेंगे, तो इसके लिए देखिए हम ऐसे बनाए हैं, यहाँ पर एक बना लिए, उसके बाद एक चेन करेंगे, और इसका ये है, इसमें एक ज्वाइंट कर लेंगे, फिर एक चेन करेंगे, और फिर से बनाएंगे यहाँ पर, फिर ऐसे बांधेंगे, फिर एक चेन करेंगे, और फिर यहाँ पर फिर एक चेन, डबल फंदे, फिर से बनाएंगे, देखिए अब उसके पास फिर एक दो तीन चेन, डबल फंदे लेंगे, फिर दूसरे वाले में सेम जैसे फ्लावर बनाए हैं वैसे बना लेंगे, अब यहाँ ज्वाइंट करने के बाद से जैसे बनाए हैं वैसे बना लेंगे हम चारों तरफ से। देखिए ऐसे हमने एक और ज्वाइंट कर लिया, यहाँ पर बीच बीच में ये दोनों ज्वाइंट किए हैं, और यहाँ पर देखिए ऊपर से ये दो में से पहला इधर और दूसरा का इधर से, और बीच में ऐसे ज्वाइंट कर लिए हैं, तो तीन ज्वाइंट किए हैं, आप लोग जितना लंबाई में चाहें आप लोग ज्वाइंट कर सकते हैं। उसके बाद से हम इसके मिडिल में हम मोती लगा लेते हैं, तो हम यहाँ पर ये मोती लगा रहे हैं, ऐसे, और बैक साइड लगा के हम ऐसे बांध के कट कर लेंगे, ऐसे, तो ऐसे पूरे में लगा लेंगे। तो देखिए अब ये तीनों ज्वाइंट होने के बाद से हम इसमें झालर लगाने के लिए झालर बनाएंगे, तो ऐसे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, हम 10 टाइम ऐसे उंगलियों पे राउंड कर रहे हैं, यहाँ से कट कर लेंगे, सेम ऐसे ही फिर वाइट वाला भी हम ऐसे कर लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, 10 टाइम ऐसे यहाँ तक ये भी कर लेंगे, और इसे भी हम कट कर लेंगे।
उसके बाद से फिर धागे को लेंगे और ऐसे बीच से लगा के हम ऐसे बांध लेंगे। ऐसे पहले हम ऐसे बांध लेंगे, देखिए। अब उसके बाद से हम ऐसे लेंगे और ऐसे नीचे की तरफ करके ऐसे हम राउंड दो तीन राउंड ऐसे फिरा लेंगे, धागे कट कर लेंगे और इस धागे को ऐसे उंगली के ऊपर रख के इसके बीच से हम ऐसे निकाल के बांध लेंगे पहले एक दो बार ऐसे, देखिए। उसके बाद से ये वाला जो पहले का है ये लेके एक बार ऐसे बांध देंगे तो ये गट हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, ऐसे खुलेगा नहीं ऐसे। अब उसके बाद बीच से ये कट करेंगे, हम मिडिल से कट कर देंगे और इसे बराबर कर देंगे हम। तो देखिए अब इसे हम इसमें ज्वाइंट करेंगे। तो इसके लिए हम ये लिए हैं बीच से ऐसे हम धागे को निकाल लेंगे और हम यहाँ पर एक लगाएंगे, इसे लेके और इसे हम बांध लेंगे ऐसे पूरा पूरा। उसके बाद हम इसे ऐसे ऐसे लपेट लेंगे इसी पे और इसे बांध के अब हम ऐसे धागे को खींचेंगे, देखिए। अब इसे कट करके हम निकाल लेंगे। तो एक यहाँ पर बांधें, उसके बगल में एक यहाँ पर बांधेंगे और वैसे ही फिर इसे दोनों साइड हम लगा लेंगे। तो देखिए हमने ये लगाया और यहाँ पे ये साइज करके कट कर दिए हैं, वैसे ही ये भी कट कर देंगे साइज में लेके। तो इसके साइज का ऐसे रख के हम ऐसे बराबर कट कर देंगे यहाँ पर, तो देखिए इधर के साइज के हिसाब से ये बन गया। और ये नीचे ऐसे ये थोड़ा लंबा मैं ऐसे रख दिए, तो अपने हिसाब से आप लोग रख सकते हैं। और इधर चाहे तो आप लटकन ऐसे बना सकते हैं, डायरेक्ट इसी में लटका सकते हैं ऐसे। तो देखिए ये डिजाइन कैसा लग रहा कमेंट करके बताइएगा, पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा, डिजाइन कैसा है ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।